दोस्तों, बिरजू पाठशाला पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग एवरेज का पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। तो बहुत ही एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं आपको, एकदम जीरो लेवल से। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसी के बाद हम लोग जो है दूसरा पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले पार्ट बताया था कि किसी भी लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे लगातार सम संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं, लगातार विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाल सकते हैं, तो इन्हीं को मैंने बताया था। तो औसत मैंने आपको बताया था, लगातार सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा, बड़ी नंबर, ठीक ना। तो अभी तक हम लोगों ने जितना ये पार्ट वन में पढ़ा उसका कंक्लूजन यही था कि लगातार संख्याओं का औसत बराबर होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में, मतलब 1 + 5/2, इसका मतलब यही अभी तक हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आया हुआ है, दिया हुआ था 1, 2 2 बार, 3 3 बार और 4 4 बार, ऐसे करके आपको दिया था 7 7 7 7, ठीक है। पूछा था इनका औसत बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार, औसत बताइए। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये क्या है, अगर हम इनको तो हमें क्या औसत में क्या चाहिए होता है, औसत में चाहिए होता है, अगर औसत बराबर चाहिए होता है हमें तो कुल संख्याओं का योग, ठीक ना, बटे में कुल यही चाहिए होता है। तो इसी को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इनका योग कर दे तो क्या होगा। 1 1 बार है, 2 का 2 में योग कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा, ऐसे ही 16 हो जाएगा, 5 5 5 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 6 बार करेंगे 36 हो जाएगा, 7 7 बार करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि संख्याएं कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब आराम से आप जैसे कि आप जानते होंगे लगातार संख्याओं का स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, ऐसे लगातार संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं, इनका निकालते हैं हम n+1/2 करके, और इनका निकालते हैं यहाँ पे n+1 2n+1/6, ऐसे निकालते हैं। तो हमें पहले इनका योग निकालना है, और कितनी 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7 संख्याओं से हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ सीधा सीधा हम निकालेंगे, अगर इनका हम योग निकालें तो इनका योग हमें मिलेगा क्या, अगर इनका हम योग निकालना चाहें तो इनका योग हमें मिलेगा स्क्वायर का सम मिल जाएगा, ये n n+1 2n+1/6, और बटे में कितनी है, 7 है, तो 7 का योग निकालेंगे हम यहाँ पे n n+1/2, इस 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा टोटल 2n+1/3। इसका मतलब n क्या है, यहाँ पे n जो है लास्ट नंबर है, लास्ट n जो है लास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अब जब सीधा सीधा जब भी आपसे पूछा जाए तो ये क्या लिखा, लास्ट नंबर क्या है, 7। 7 रखेंगे, 7 × 14 + 1 कितना हो गया, 15, और 15 को 3 से भाग करेंगे 5। तो आपको अब जब कभी भी पूछा जाए, तो अब इतना सारा मैंने आपको बेसिक बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, जब भी ऐसे 1 1 बार 2 2 बार 3 3 बार, 10 10 बार का औसत पूछे तो औसत क्या होता है, 2n+1/3, 10 10 बार, तो 10 × 20 और 1 21/3 कितना आ जाएगा, 7। ऐसे ही आपको औसत बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे पूछा जाए 1 1 बार 2 2 बार 3 3 बार 4 4 बार 5 5 बार और 20 20 बार,
या सौ सौ बार। तो आपको एकदम आराम से ये बताना है, फार्मूला आपको याद कर लेना है, ये क्या होता है, इनका औसत, औसत कहां से आता है, मैंने आपको करके भी बता दिया, इनका औसत होता है 2n+1/3 और यानी यहाँ पे आखिरी संख्या, ऐसे इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक है, एक और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, दिया हुआ है आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें जो है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो और भी लोगों को बताइए, जो है जिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके। आगे देखिए, एक बार एक 2017 में क्वेश्चन आया, ए बी सी डी और ई लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक ना। तो इनका औसत, तो औसत बताइए, औसत एवरेज, ठीक ना। इफ ए बी सी डी ई इज अ कंसेक्यूटिव इवन नंबर देन फाइंड देयर एवरेज, इनका औसत बताइए। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए ए प्लस टू ए प्लस फोर ए प्लस सिक्स, ये ऑप्शन है, ठीक ना। अच्छा देखिए, मैंने बताया लगातार संख्याओं का औसत बीच में होता है, अगर ये सब लगातार संख्याएं हैं, ये सब लगातार संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा, सी होना चाहिए, इनका औसत बीच में ही होगा सी, लेकिन ऑप्शन तो हमारा सर ए में दिया हुआ है, तो हमको आंसर ए में निकालना है। अगर ये लगातार संख्याएं हैं ए, तो अगली संख्या, जैसे ये सम संख्या 12 है, तो अगली सम संख्या कब आएगी, जब दो जोड़ेंगे 14, फिर दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, यही तो लगातार सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर ए एक सम संख्या है तो इसमें हम दो जोड़ेंगे तो अगली एक सम संख्या मिल जाएगी, फिर इसमें हम दो जोड़ेंगे तो अगली एक सम संख्या मिल जाएगी। अब देखिए सी, सी के बदले क्या मिल गया हमें, ए प्लस फोर। तो लगातार ए बी सी डी संख्याओं का औसत कितना होगा, या तो सी, सी ऑप्शन में है नहीं तो हम क्या देंगे ए प्लस, अगर सी ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर सी होता, ठीक है, लेकिन हमें ए के रूप में पूछ रहा है तो हम देंगे ए प्लस फोर। तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका सही है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 17 खिलाड़ियों का औसत भार, सत्रह खिलाड़ियों का औसत भार जो है 16 kg, 16 kg। यदि एक खिलाड़ी और आ जाए तो औसत भार 20 kg हो जाता है। तो आने वाले का भार बताइए, ठीक है, आने वाले का वजन जो आया, आप एकदम जिनको कुछ नहीं आता हो, जिनको एकदम मैथ समझ में नहीं आती हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है कि 17 लोग थे जिनका औसत भार 16 kg। अब एक आ गया, अब कितने हो गए, 18 लोग हो गए, जिससे औसत भार, नया औसत भार कितना हो गया 20 kg। अब देखिए इनका गुणा कर दीजिए, 17 × 6 = 102, ठीक ना, दो हाथ में लगा 10, 17 × 1 = 10 = 27, 272, 18 × 2 = 36, 307, ठीक ना। 17 लोगों का 272 था और इसका हो गया 307, मतलब कितना बढ़ गया, घटा लेते हैं, 10 में से 8 गया, 2 गया 8 और यहाँ गया 5 में से, 15 में से ये 7 गया 8, तो आने वाले का औसत भार कितना है 88। मैं और आपको एकदम कई तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, ये तो एकदम बेसिक तरीका है जिनको एकदम ना आता हो, जो थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, ठीक ना, 17 लोग हैं और उनका औसत भार कितना है 16 kg, सब लोग यहाँ पे 16 किलो के हैं, 17 लोग यहाँ पे 16 किलो के हैं, औसत भार का 16 kg। अब कहा जा रहा है कि एक नया खिलाड़ी आ गया जिससे औसत भार कितना बढ़ गया 20 kg, तो कितना बढ़ा है 4 kg बढ़ गया, 4 kg। अभी मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि जो सब पे बढ़ता है उतना औसत पे बढ़ जाता है, जो अगर सब पे घटता है तो औसत पे घट जाता है,
जो अगर सब पे गुणा होता है तो औसत पे भी गुणा हो जाता है। ये औसत तो बढ़ गया है, इसका मतलब सब लोगों पे 4-4 किलो क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। अब टोटल लोग कितने हैं, 18 लोगों पे 4-4 किलो बढ़ गया होगा, मतलब कितना बढ़ा होगा, 18 चौके 72 72 kg तो बढ़ा ही होगा। और कौन बढ़ा होगा, ये नया औसत। अगर आने वाला भी 16 किलो का होता तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सब पे 4-4 किलो बढ़ा रहा है, इसका मतलब कितना ज्यादा आया होगा, 72 किलो, मतलब पुराने औसत से 72 किलो ज्यादा का आया होगा, मतलब आने वाले की आयु कितनी है, 88 साल। इसको हम दूसरे भी तरीके से देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए जिनको ये एकदम बेहतरीन तरीका है, इसको मान लीजिए 17 खिलाड़ियों का औसत भार कितना है, 16 kg। फिर एक नया खिलाड़ी आएगा 18, 18 खिलाड़ियों का औसत भार कितना हो गया, 20 kg। आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ, औसत भार 4 kg बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या हुआ, 1+ हुआ है। आप इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें करिए, 17 चौके 68 प्लस 20 से कम 20, तो कितना आ गया आने वाले का औसत भार। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इसको मैं आपको और भी 2-3 क्वेश्चन लेके सॉल्व कराता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन तरीका समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, यहाँ बढ़ेगा तो प्लस, यहाँ भी बढ़ा है तो प्लस, नहीं बढ़ेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक ना। घटा होता तो 4 माइनस हो जाते, ये भी घटा होता तो 1 माइनस हो जाता, भाई माइनस माइनस प्लस से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे हमें ये देखना है 17 चौके 68 और 20 से कम 20, 20 और 68 आने वाले का औसत भार, आने या जाने वाले का औसत भार होता है, तो आने वाले का कितना भार है, 88 kg। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे ठीक है आप लगा सकते हैं। जिनको समझ में आ गया हो उनके लिए भी बढ़िया तरीका है। ये तरीका क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप सपोज करिए आने वाला भी 16 kg का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आने वाला भी 16 kg का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत भार सबका 18 लोगों का औसत भार कितना हो जाता है, 16 kg। लेकिन कह रहा है कि औसत भार 4 किलो बढ़ जा रहा है, मतलब औसत भार 4 किलो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब सब लोगों पे 4-4 किलो बढ़ गया होगा, तो 16 से 4 किलो बढ़ गया होगा, तो 18 चौके कितना बढ़ गया होगा, 72, मतलब आने वाला कितना है, 6। आप भी अगर ये बात जानेंगे तो आधा सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका बहुत बढ़िया है, ये भी तरीका बहुत बढ़िया है, ये बहुत जगह काम आएगा, तो आपको मैं और बताऊंगा, ठीक ना। इसमें एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं इसी को, जैसे इसमें खिलाड़ी आ रहा था, अब मान लीजिए कोई खिलाड़ी चला जाए, ठीक है, इन्हीं की जगह, जैसे हमने इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, 20 खिलाड़ियों का औसत भार जो है 30 kg, ठीक है, 20 खिलाड़ियों का औसत भार जो है 30 kg है। एक खिलाड़ी अगर चला जाए तो औसत भार जो है 28 kg, औसत भार कितना हो जाता है, 28 kg। तो जाने वाले का भार बताइए, जाने वाले का भार। अब ध्यान से देखिए, पहले ये तरीका जो मैंने बताया था, 20 खिलाड़ियों का औसत भार कितना था, 30 kg। अब एक खिलाड़ी चला गया, कितना हो गया, 19, औसत भार भी कितना हो गया, 28 kg। देखिए औसत कितना कम हो गया, 2, इधर कितना हो गया, 1। अब क्या करना है, 20 जाने वाले का निकल जाएगा, यहाँ पे जाने वाले का बराबर 20 × 40 और 28 से कम 28, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा, 28 20 कितना हो जाएगा, 40 20 60 68, दोनों माइनस माइनस है, मैं कोई नहीं, ये माइनस हमें बस ये बताता है कि वो आदमी गया है और प्लस हमें ये बताता है कि वो आदमी आया है। तो यहाँ माइनस 68 आया है, इसका मतलब वो आदमी कितने का था जो चला गया है, 68 kg का। इस भी तरीके से मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि वो आदमी जो गया है वो 30 kg का ही गया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले औसत कितना है, 30 kg। अगर 30 kg का ही गया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सब पे जो है 2-2 kg का असर दे दे रहा है, सब पे वो 2-2 kg का असर दे दे रहा है। अब 20 में एक चला गया, कितने हो गए, 19, और 19 लोगों पे 2-2 kg का असर पड़ रहा है, मतलब 19×2 = 38 kg का असर पड़ेगा, मतलब जाने वाला कितना लेके गया है, 38, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और भी कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको समझ में आया आ जाए तो वीडियो को आराम से देखिए, आपको समझ में आया। एवरेज जो है कुछ नहीं है, आप एकदम जब मैथ
मैथ की बात ही नहीं है, मैथ बस फेल करिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि एक परिवार है जिसमें पांच सदस्य हैं, एक परिवार है जिसमें पांच सदस्य हैं, उन पांचों सदस्यों का वजन नापा जाता है। एक परिवार में पांच लोगों का औसत वजन नापा जाता है, औसत वजन नापा ठीक है। एक परिवार के पांच लोगों का औसत वजन नापा जाता है, हर बार औसत 1 kg बढ़ जाता है, 1 kg बढ़ जाता है। तो पहले ठीक है, पहले सबसे छोटे और सबसे छोटे व सबसे बड़े का अंतर देखें। एक परिवार में पांच लोग हैं, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, ठीक ना, पांच लोग। इनका जब जैसे एक का नापे तो औसत वजन हो गया, फिर दूसरे का नापे तो फिर औसत वजन चेक किए तो 1 kg बढ़ गया, फिर तीसरे का नापे तो फिर औसत वजन चेक किए तो 1 kg बढ़ गया, फिर चौथे का नापे तो फिर औसत वजन चेक किए 1 kg बढ़ गया, फिर पांचवे का नापे तो फिर औसत वजन चेक किए 1 बढ़ गया। मान लीजिए इसका औसत, ये हम मान लेते हैं कि 8 किलो का है, पहला वाला कितने किलो का है, 8 किलो का, तो औसत वजन कितना होगा, 8। अगर दूसरे को हम नापते हैं तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, दूसरे को हम नापते हैं तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, औसत वजन कितना हो जाएगा, 9 किलो। तो 9 औसत वजन कितना होगा, बीच में 9 बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ पे संख्या क्या होगी, 10। ध्यान से एकदम बात समझिएगा, पहले का हमने एक का नापा औसत तो 8 किलो और 8, अब फिर जब दूसरे का नाप रहे हैं तो औसत वजन 1 किलो बढ़ गया, औसत कितना हो गया, 9 किलो। तो 9 कब होगा, औसत हमेशा बीच में आता है, तो 8 और 10 के बीच में 9 आएगा। अच्छा, फिर तीसरे का जब हम नाप रहे हैं तो फिर हमारा औसत वजन 1 किलो बढ़ जा रहा है, पहले 9 था, कितना हो गया, 10। 10 औसत कब आएगा, जब ये पहले से 9 है, अब ये क्या हो गया, 10। अब 10 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या हो जाए, पूरा का पूरा 20 हो जाए, ठीक है। इनके बीच का लाना है, तो ये 10 किसके बीच में आएगा, 11, 10, 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, 8, 9, 8 और 9 के बीच में ये हो गया औसत वजन, हर समय 1 साल बढ़ रहा है, फिर 10, तो ये हो जाएगा 11, तो 11 के 12, फिर ये हो जाएगा जो है 13, तो ये हो जाएगा 14, और ये 14, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16। हर बार औसत जो है 1 किलो बढ़ा है। अब इनको जब आप चेक करेंगे तो पूछा है पहले और आखिरी का अंतर, पहले और आखिरी का अंतर आप देख रहे हैं, ये सबका जो है सम संख्या आ गया है, तो ये पहला 8 है, दूसरा 16 है, अंतर कितना है, 8, ठीक है। आप कहीं यहाँ पे सबका पूछा जा सकता था, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था गैप, एक गैप जो है 2 के बराबर है, ठीक ना, एक गैप जो है 2 के बराबर है, तो कुल 1, 2, 3, 4 गैप है, तो 4 गैप कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा, ठीक। और भी कुछ क्वेश्चन है जो हम लेते हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, 17 संख्याओं का औसत जो है सम संख्या, पहली नौ का औसत जो है 69 है, और आखिरी नौ का औसत 66 है, तो नौवीं संख्या होती है, नौवीं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया होगा, कम से कम 50 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, 17 संख्याओं का औसत जो है 67 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 69 और आखिरी 9 संख्याओं का औसत 66। आप देखिए 9, 9, 18 संख्या हो गई, लेकिन संख्या कितना दिया है, 17। जैसे देखिए 1, 2, 9, ठीक ना,
दस ग्यारह ऐसे करके 17 संख्याएं होंगी। कहा जा रहा है कि इस पहली 9 संख्या का औसत जो है 69 है और आखिरी 9 संख्या का औसत जो है क्या है 67 है और पूरी की पूरी संख्याओं का औसत कितना है 17। मतलब ये संख्या जो है नवी संख्या दो बार काउंट हो गई, इधर भी काउंट हो गई इधर भी काउंट हो गई। हालांकि हमसे इससे कुछ जो है इसी बात को समझना है। तो ये जो है 17 संख्याओं का औसत है, ये 9 9 18 संख्याओं का, इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारा जो है नवी संख्या निकल जाएगा क्योंकि ये टोटल 18 संख्याओं का हो गया, ये 17 संख्याओं का यहां से निकलेगा। तो अब देखिए एक एकदम बेसिक तरीका जिनको कुछ ना आता हो, 17 संख्याओं का औसत। अब देखिए इस 9 संख्याओं का औसत कितना है 69 प्लस इस 9 संख्याओं का औसत कितना है 66। ये टोटल जो है कितनी संख्याएं हो गई 9 9 18। और अगर हम 17 संख्याओं को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो है नवी संख्या क्या है, ठीक है। या तो हम इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो पता चल जाएगा ये 18 संख्याओं का है, ये 17 संख्याओं का है, इसमें से घटाएंगे तो एक संख्या मिल जाएगी हमें। ये तो एकदम बात की बात रही। अब एग्जाम में करेंगे कैसे, ठीक है, हम आपको यही थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप बुरा भाग कर रहे हैं वो ना करें। करेंगे कैसे, देखिए 17 संख्याओं का औसत कितना है 67, पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है इतना और आखिरी 9 संख्याओं का औसत कितना है इतना। आप मान लीजिए कि सबका औसत कितना है 67 ही है, ठीक ना, सबका औसत 67 ही है। तो ये 67 से कितना बड़ा है, ये जो है बड़ा है 2 प्लस का 2, एक पे 2 बड़ा है तो 9 संख्या है तो 9 दो लेके कितना बढ़ जाएगा 18। अब देखिए ये 67 से कितना छोटा है, एक छोटा है, ठीक ना, यहाँ एक छोटा है, ये माइनस होगा एक छोटा है। तो एक अगर एक संख्या पे एक कम हो रहा है तो पूरे 9 पे कितना कम हो जाएगा माइनस का 9। अगर और इनको ये पूरे 67 में जोड़ दीजिए, ये 9 से 9 ये इसका कैंसिल होगा, 9 इसमें जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9 और 7 16, ठीक है। इन सबको क्या कर देना है, जोड़ना है। जैसे आप देख रहे हैं 67 ही होता है लेकिन कितना एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, ये माइनस का 9 ये प्लस का 9 हटा देंगे तो यहाँ 9 की असर पड़ेगा, प्लस का 9 और ये प्लस 67, तो 9 7 16 के 6 हाथ में लगा 1 7, मतलब नवी संख्या क्या है 76। बात समझ में आई आपको, आप एकदम आराम से कोशिश करिएगा ये समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और भी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन जो सिंपली आपको पता चल जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 संख्याओं का औसत दिया हो 42, ठीक ना, 20 संख्याओं का औसत दिया हो 42, ठीक है, या 19 ले लेते हैं, 19 संख्याओं का औसत दिया है 42, पहली 10 संख्याओं का औसत जो है, पहली 10 संख्याओं का औसत जो है 40 है और आखिरी की 10 संख्याओं का औसत जो है 44 है, ठीक ना। तो बताइए दसवीं संख्या क्या है, दसवीं संख्या क्या है। देखिए ध्यान से, 19 संख्याओं का औसत कितना है 42, पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है 40 और आखिरी के 10 संख्याओं का औसत कितना है 44। अगर हम मान लें कि औसत 42 ही है तो ये क्या हो रहा है, ये 2 जो है माइनस हो जा रहा है, 2 माइनस हो जा रहा है। अगर औसत 2 माइनस हो रहा है तो 10 दूनी के 20 माइनस हो जाएगा, ठीक ना। यहां देख रहे हैं ये 42 से क्या है 2 प्लस का है, ठीक ना, तो 10 दूनी के 20 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 और ये 20 सबको जोड़ेंगे, इस 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, बस 42। तो दसवीं संख्या क्या है 42। आराम से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से एक बार समझिए, आप इनको ऐसे गुणा करके भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर जिनको वो हो रहा हो, देखिए यहाँ पे मैं गुणा करके बता देता हूँ, 19 दुनी के 38 हाथ पे लगा 3 और 19 चौक 76 दिन कितना हो गया 76 दिन। अब देखिए ये कितना हो गया 10 चौक के 40, ठीक ना, और ये 440। अब देखिए कितना ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है टोटल जो है 19 चौक 76, ये हो गया है कितना हो गया है, ये 4 हो गया, 4 4 8। ये आप देखिए 10 10 20 संख्याओं का है, ये 19 संख्याओं का है, तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं, तब घटा देंगे तो ये 10 में से क्या जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 3 3, ये 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, ठीक है। आप ये 19 संख्याओं का है, ये दोनों 20 संख्याएं हो गई, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो एक संख्या मिल जाएगी। आपको बुरा भाग ना करना पड़े इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना, नहीं तो आप बुरा भाग करके एकदम ऐसे लगा सकते हैं। बात समझ में आई, चलिए ठीक है, समझ में आ गया हो तो।
अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप यहाँ आराम से जो है इसको देखिए, आपको समझ में आए तो बताइए, नहीं समझ में आए तो भी बताइए, इसमें सुधार किया जाएगा जैसा जैसा हो सकता है। हम आपको एकदम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप पढ़े तो आपको कोई समस्या ना हो, एकदम आराम से पढ़िए एकदम। जिनको कुछ ना आता हो उनको भी एकदम आ जाएगा, 100% की गारंटी है, ठीक है। जो जिस हिसाब से आपको एकदम बेसिक बताया जा रहा है, बेसिक से एकदम पूरा हाई लेवल तक बताएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक ना। आपको डेली जो है ये वीडियो मिलेंगे, इसीलिए आपको डेली इस चैनल को आप देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।